हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल सा बन हेयर स्टाइल लेके आई हूँ साड़ी के लिए सेंटर पार्टीशन से। तो कैसे करना है सब कुछ बताने वाली हूँ। इससे पहले एक टिप्स दे दूँ, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, आपके बाल ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, बहुत हेयर फॉल हो रहा है, काफ़ी कुछ ट्राई करके थक चुके हो, तो आज एक टिप्स लेके आ गई हूँ विटामिन ई की कैप्सूल। इसको आपको एक कैप्सूल ले लेना है, आपने हेयर वॉश किया है तो भी चलेगा। इसको पंक्चर कर लेना है, पंक्चर करने के लिए सुई या फिर पिन का यूज कर सकते हैं। मैं अपने नेल्स से इस तरीके से इसको पंक्चर कर ले रही हूँ, दांत का भी यूज कर सकते हैं। एंड इसका सारा जेल मैं अपने हाथों पे निकाल रही हूँ, ओके। और इसको अच्छे से इस तरीके से हाथों में लगा के गर्म कर लेना है ऑयल को, और बालों की जड़ों में अप्लाई करना है। गीले बालों में करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड इससे आपके बाल इंस्टेंटली सॉफ्ट स्मूथ हो जाएंगे एंड जो हेयर फॉल है वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा और बहुत ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं लगता है। एंड आप इसको लगा के कहीं भी जा सकते हो, एज ए कंडीशनर भी यूज कर सकते हो, जिससे आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, ग्रोथ भी करेंगे एंड हेयर फॉल भी कम हो जाएगा। तो ये तो हो गया टिप्स हमारा आज की वीडियो का। और हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। हेयर स्टाइल के लिए आपको क्या करना है, सेंटर पार्टीशन बोला था मैंने साड़ी के लिए, तो साड़ी के लिए ही बता रही हूँ। बीच की इस तरीके से मांग निकाल लेंगे। ओके, इजी टिप्स में आपको अगर बाल खुले रखने हैं, छोटे बाल हैं, तो आपको सिंपली इस तरीके से हेयर को लेके जाना है। ये देखिए कितना अच्छा सा आपका लुक आ जाएगा फ्रंट का। एंड छोटू सा क्लचर हो वो अप्लाई करना, मेरे पास छोटू सा क्लचर नहीं है तो मैं ये बड़ा वाला यूज कर रही हूँ। ओके, और थोड़ा थोड़ा सा हेयर को ऐसे खींच देंगे और ये साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा हेयर स्टाइल। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो जाएगा जो कि साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा। आप चाहो तो इसी में इस तरीके से सेकेंड लेयर भी लेके जा सकते हो एंड अगेन एक और क्लचर लगा सकते हो। और एक और नहीं है तो इसको अच्छे से यहाँ से पकड़ लो, ओके, और इस वाले क्लचर को ओपन कर लो और दैट्स इट नीचे लगा दो। तो इस तरीके से आपका सेकेंड वाला लेयर भी इसी एक ही क्लचर में हो जाएगा। एंड साड़ी डाल दो तो लेयर जरूर निकालिएगा। लेयर निकालने से आपका जो फेस का लुक होता है वो काफ़ी अच्छा दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो जाएगा। बहुत इजी वे है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव लगता है। छोटे वाले तो काफ़ी हेल्प रहेगा आपको ये वाले हेयर स्टाइल से, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो ये हमारा सेकेंड हो जाएगा। तो थर्ड हेयर स्टाइल में आपको मैं बन बता देती हूँ, क्योंकि सब लोग खुले वालों में कम्फर्टेबल नहीं होता है एंड छोटे वाले तो उन लोगों को बन की सोचते हैं, छोटे वालों में बन कैसे बनाएं, तो आज इस वाले वीडियो के थ्रू उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो मैंने ओपन कर लिया, क्लचर हटा दिया एंड इसमें थोड़ा सा क्लिप वगैरह रख लीजिएगा अपने पास। सिंपली अच्छे से फ्लैट रखना है बालों को आगे से और इस तरीके से लेके जाएंगे। ये देखिए ऐसे पूरा स्कैल्प के साथ, ओके, फिर से फ्लैट कीजिए, ओके, फिर से फ्लैट करिए सारे हेयर को, कॉम करते जाइएगा साथ साथ में, या फिर मैनेज है हेयर तो इस तरीके से भी हो सकता है। ओके, हल्का सा ट्विस्ट कर देंगे। वाव, अब आपको क्लिप लगा देना है यहाँ पे, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड। यहाँ पे भी हम लोग क्लिप लगा देंगे। तो आपको सारे बालों को एक साथ ले लेना और एक कोनी बना लेंगे।
अब छोटे बाल हैं तो आपको डोनट बन करना ही पड़ेगा। अगर आपके अपने साड़ी मान लीजिए आपको बड़ा सा हेयर स्टाइल चाहिए तो एक डोनट बन ले लेंगे। और सारे बालों को इसके ऊपर से चला देंगे इस तरीके से। और एक रबड़ बन लेंगे पतला वाला। काफी पतले हल्के वाला तो हो सकता है कि कितने लग जाए एक तरीके से, तो आप एक तरीके से फैला के यूपिन लगा दोगे। और आपको क्या करना है, सिंपली बालों को ट्विस्ट करना है और बहुत ही इजी तरीके से छोटे बालों में खूबसूरत सा बना बना के रेडी कर सकते हो। पार्टी फंक्शन के लिए साड़ी पहना है तो बना सकते हो, गाउन पहना है तो भी बना सकते हो, एंड साड़ी के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा ये, सेंटर पार्टिकल पे अच्छा लगता है। ताकि आप और भी ड्रेस डाल दो तो ये बना सकते हो ये वाला हेयर स्टाइल। जहाँ भी आपको डोनट बन दिख रहा हो वहाँ पे आप ये किस तरीके से यूपिन लेके जरूर लगा लीजिएगा। इसके साथ आप गजरा एंड यूपिन फ्लावर वाले जो यूपिन आते हैं वो ट्राई कर सकते हो हेयर स्टाइल को अच्छा और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। वाह, तो ये हमारा आज का हेयर स्टाइल हो गया। अगर आपको लूज फील हो रहा है इस तरीके से तो आप फिर और भी ट्राई कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा साड़ी के लिए ब्यूटीफुल सा इजी हेयर स्टाइल जो कि सेल्फ है तो कोई भी बना सकता है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेयर्स निकाल लेते हैं एंड लेयर्स को कर्ल्स कर लीजिएगा, मैंने नहीं किया है, आप कर्ल्स कर लीजिएगा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा हेयर स्टाइल। सॉरी, तो कैसा लगा हेयर स्टाइल एंड टिप्स कैसा लगा जरूर ट्राई कीजिएगा। आपका हेयर फॉल हो रहा है तो डेफिनेटली फ़ायदा करेगा। मैंने खुद पे मैं कोई भी टिप्स ट्राई कर लेती हूँ उसके बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, एंड फिर भी आपका हेयर फॉल कम नहीं हो रहा तो आप ग्लिसरीन ट्राई कर सकते हो। ग्लिसरीन का ये जो ढक्कन है एक ढक्कन शैम्पू में मिक्स करना है, जो भी शैम्पू आप यूज़ करो उसमें मिक्स करना है, अच्छे से जड़ों में मसाज करना है एंड उसको मसाज करके 2 मिनट के लिए छोड़ोगे एंड नॉर्मल जैसे आप पानी से वॉश करते हो वैसे वॉश कर दीजिए, आपका हेयर फॉल बहुत हद तक कम हो जाएगा। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो हेयर स्टाइल देख लिया, टिप्स कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ट्राई कीजिएगा और उसके बाद से बताइएगा ताकि और भी अच्छी अच्छी टिप्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।